रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, अल्लाह का एहसान, दिल दिल रमजान, शाने नज़ूल कुरान, दिल दिल रमजान, दिल। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं अपने अंकल के घर, हमारी इफ्तार पार्टी है और रोज़ा खुलने में थोड़ा सा टाइम रह गया है। आज हम काफ़ी लेट हो गए काम पे, तकरीबन 10 मिनट रह गए हैं रोज़ा खुलने में और अभी हम जा रहे हैं अपने अंकल के घर इफ्तार के लिए। तकरीबन हमें लग जाएंगे 5 मिनट और मिलते हैं इफ्तारी के टाइम। तो जैसे ही हम मेन रोड पे आए हैं तो आगे काफ़ी ट्रैफिक है, उम्मीद करते हैं कि हम पहुँच जाएंगे कोई अगले 5-7 मिनट में, चूँकि उस्मान भाई ने काफ़ी डिले कर दिया है एज़ यूजल। वो हमेशा चीज़ों पर लेट आते हैं, पता नहीं उन्हें क्या मसला है। किस दिन बात करेंगे उनसे कि यार आपका इशू क्या है कि आप जाओ, जब भी कहीं जाते हैं तो लेट जाते हैं। बहरहाल अभी गाड़ियां चल पड़ी हैं तो ट्रैफिक जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है, कुछ गाड़ियां हैं लेकिन कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि हम अफ्तारी से 3-4 मिनट पहले ही पहुँच जाएंगे, चूँकि एन अफ्तारी के टाइम पर जाना भी कोई अच्छा नहीं लगता। तो चलें वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं कि अफ्तारी में क्या मेन्यू है। लो जी, तो प्रोग्राम लगता है फिर बढ़ गया है, इतना काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो गई है, पिछले कोई गड्डी की आवाज़ आ रही है, एम्बुलेंस जा रही है, अल्लाह खैर ही करे। तो साढ़े जड़े 3-4 मिनट सन कि चलो जल्दी पहुँच जाएंगे, वो तो मैं लगता है खतरे च पै गए ने, लेकिन चलो अल्लाह ताला ने खैर की जो टाइम सिर पहुँच जाएंगे। जब तक है दिल सवाली रहे, हाथ में रोजे की वो जाली रहे। जी उस्मान भाई, जी जी जरूर पकड़ के वेट कर रहे हैं जी, जैसे ही रोजा अफ्तार हो। हक यही महीना है, दिल जो हो जाए वक्फे इश्क के रसूल, उसमें होता है रहमतों का नज़ूर, जिससे हो गई कोई भूख। अच्छा जी, इफ्तारी की है, स्टार्टर खा ली है और उसके बाद आके नमाज पढ़ी है। अभी हम वापस जा रहे हैं टेबल पे और मेन कोर्स खाएंगे। इफ्तारी में जो स्टार्टर खाया उसमें हमने फिश खाई, कबाब खाए, ग्रिल चिकन था, उसके अलावा रूह अफजा जो दूध वाला उस्मान भाई का फेवरेट होता है, साथ में हमने नींबू पानी भी पिया है और इंशाल्लाह अब हम जा रहे हैं मेन कोर्स खाने। दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान। बरकात है सिमटती नहीं, जितनी बांटो मगर ये घटती नहीं, बदलियां उस अता की छटती नहीं, रहमत हक यही महीना है, ये सना खानियां ये हम दो दुरूद, ये इबादत ये रकू सुजूद, देखो हम सब हुए हैं एक वजूद, रहमत हक यही महीना है। दिल दिल रमजान, 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 अल्लाह का दिल दिल रमजान, शाने नज़ूल कुरान, दिल दिल
वैसे बहुत उदास बनी हुई है। मैं गजेला खा रहा हूँ और गजेला जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दी में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है खाने के लिए, तो वेरी नाइस माशाल्लाह। चलिए फिर अदील भाई, की हाल है? अफतारी कैसी रही सर? अफतारी में क्या पसंद आया आपको? सब कुछ। नहीं, वो एक दो चीज़ें बताए ना। अभी खाई नहीं है, पहले अच्छी हो गई है। तो हांडी में क्या पसंद आया? तीन तरह की हांडी बनी थी आपको। और उसके अलावा स्टार्टर में क्या पसंद आया? चलो माशाल्लाह, एंजॉय करो। खा रहे हैं जी स्वीडिश। स्वीडिश आंटी ने बहुत ढेर सारी बना दी है। गजरेला भी था, रस मलाई भी थी और आइसक्रीम भी थी, और बहुत मज़ा आया। अभी मैं खा रहा हूँ आइसक्रीम, और उसके बाद मैं ट्राई करूँगा इन्होंने रस मलाई बनाई हुई है और फिर गजरेला। बहुत मज़ा आया है। अल्लाह ताला की रोज़ी में बरकत डाले, जज़ाए खैर दे, और हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। आंटी ने हमारे लिए बड़े प्यार से बनाया था गजरेला, अब ये वो ट्राई करें, साथ में हम ट्राई करें आइसक्रीम। उस्मान भाई ले रहे हैं 2-in-1 मज़ा, माशाल्लाह। कोच में बैठ के जो है वो बीच की फीलिंग भी ले रहे हैं और साथ में अफतारी भी कर रहे हैं, तो उस्मान भाई मज़े में रह के ये तस्की भी ले रहे हैं फुल टाइम। देखें मैं ये झूला झुला रहा हूँ क्योंकि भाईजान जो है वो काफ़ी रद्दी हो गए हैं, अकेले अकेला नहीं झूला झुला सकते, इन्हें मेरी मदद चाहिए हर काम की तरह। तो दावत थी आज आंटी के घर, अफतारी बड़ा मज़ा आया अफतारी करके। बहुत सारी डिशेज आंटी ने बनाई हुई थी, हमने सारी ट्राई की, सारी की सारी डिशेज हैं बहुत अच्छी हैं। तो इंशाल्लाह अभी जाएंगे तरावी पढ़ने के लिए, तो आपसे मुलाकात होती है तरावी के बाद। तो फाइनली जी हम घर पहुंच गए हैं, मस्जिद में गए, तरावियाँ पढ़ी, उससे पहले अफतारी की। अंकल आंटी ने दावत पे बुलाया हुआ था, तो माशाल्लाह उन्होंने बड़ी अच्छी अफतारी की हमारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे 2 रोज़े जो है वो मुकम्मल हो गए हैं, तो अब थोड़ा बहुत आराम करेंगे क्योंकि सुबह दोबारा सहरी के लिए उठना है और सहरी को तकरीबन 4 से 5 घंटे भी रहे। अच्छा जी, हम अफतारी होगी, नमाज पढ़ ली, तरावियाँ पढ़ ली, चाय पी ली, अभी घर आ गए हैं। बहुत अच्छा दिन गुजरा माशाल्लाह, सहरी से लेके अफतारी तक और अभी ईशा की नमाज तक बहुत इंजॉय किया। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।